हेलो दोस्तों, मैं शालू चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कल आज और कल में स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं अपने कल से जुड़े हुए अनुभव जो कि मैंने अपनी मम्मी की लाइफ से उनके साथ रहकर सीखे हैं, और आज का अनुभव जो कि मैं अपनी जनरेशन से सीख रही हूँ, और आने वाले कल के अनुभव जो कि मैं अपने किड्स के साथ सीखूँगी और अभी भी सीख रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी उम्मीद के साथ आज मैं शुरुआत करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो है माँ के हाथ की बनी सूजी की खीर। और आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, इंजॉय कीजिए। डेफिनेटली जब आप इसको बनाएंगे तो जो भी आपके हाथ की ये रेसिपी खाएगा वो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी की खीर की रेसिपी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है माँ के हाथ की बनी सूजी की खीर की रेसिपी, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 50 ग्राम सूजी, जो लगभग आधा कप होगी, और जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमको चीनी लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए देसी घी, जो लगभग हमें 1 से 2 चम्मच चाहिए, और दूध जो हमें लेना है वो फुल फैट मिल्क लेना है, हो सके तो भैंस का दूध लीजिए 1 लीटर। उसके बाद हमको नारियल और कटा हुआ बादाम, किशमिश, काजू और चुटकी भर इलायची पाउडर और कद्दू के बीज, ये लगभग हमें 1 से 2 चम्मच ले लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालते हैं 1 चम्मच, और जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो तब हम इसमें सूजी छोड़ेंगे। ये देखें, मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। अब हमें इसको रोस्ट करना है केवल 2 से 3 मिनट के लिए। ये एक बेसिक चीज़ है इस खीर की, तो आप ध्यान से करना, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। अभी देखिए, मैं इसमें धीरे धीरे करके दूध छोड़ रही हूँ, और दूध छोड़ने के बाद इसको आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे थोड़ी बहुत बिल्कुल भी गांठे इसके अंदर ना बने। वैसे तो नहीं बनेगी क्योंकि हमने घी डाला है। घी डालने का मेन पर्पज़ हमारा यही रहता है कि जो सूजी है उसके जो बारीक कण होते हैं वो आपस में ना चिपके दूध में मिलने के बाद, ये मेन रीज़न होता है घी डालने का। इसलिए इसको अभी आप धीरे धीरे चलाते रहिए। ये देखिए, अभी ये बॉईल होने लगी है, तो अब हम इसको नहीं चलाएंगे। इसको 10 से 12 मिनट मीडियम हीट पे हम लोगों को ऐसे ही बॉईल करते रहना है। ये देखिए, बॉईल होते होते इसको लगभग 10 से 12 मिनट हो गई है, और आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मलाई आने लगी है, ये इसके पकने की पहचान है। अब हम इसमें अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम धीरे धीरे करके डाल देंगे।
ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। अब हमें इसको और 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे बॉईल होने देना है और साथ में इसमें चीनी भी हमें अभी ऐड कर देनी है। ये देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुकी और मलाई की लेयर इसके चारों तरफ बन चुकी है, जो कि इसके तैयार होने की पहचान है। तो अभी हमारी खीर बन चुकी है, अभी चलिए हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए अभी हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। ये लगभग 3 से 4 लोगों के लिए सर्व की जा सकती है और अभी मैंने पूरी कोशिश की है कि शायद मैं भी इसमें अपनी माँ के हाथ वाला स्वाद डाल सकूँ। बाकी मेरे बच्चे ट्राई करके बताएंगे कि उनको कैसी लगी, नानी के हाथ वाला टेस्ट आया या नहीं आया। आप भी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, ये खीर वाकई बहुत टेस्टी खीर है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।